गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में अतुल उसके भाई के घर जाकर आए हैं, वो भी उसको पता लगी है। और अतुल के घर में एक नौकर काम करता रहते हैं, उसका नाम है राम सिंह। राम सिंह को अतुल पानी लेने के लिए बुलाता है और उधर से एक आवाज़ आती है, वहाँ तक हो गए थे बच्चे। नेक्स्ट जो पेज नंबर 14 में क्या है देखिए। आवाज़ लाया सरकार, देखिए ये नौकर सरकार के शब्द से उसको पुकारता है। किसको पुकारता है? अतुल को। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है, यह कटु सत्य है। देखिए, भाभी से बढ़कर भैया का कुछ नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है, यह कटु सत्य है, निजी सत्य है। सत्य अपोजिट असत्य, हमें स्वीकार करना ही चाहिए। देखिए, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों बच्चे स्वीकार करना चाहिए? अविवाह उसके भैया अविवाहित सारे ये दूसरे जाति वाली लड़की को विवाह हो गया है, इसे स्वीकार नहीं तो हमें बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक रुद्रूपी हो जाते हैं। इसलिए हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें वो तिरस्कार करे तो बहुत बुरी बात लगेगा, इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना है, क्योंकि ऐसे बात बोल रहा है, घर में वही बड़े वाला है था, अविनाशी बड़े वाला था, इसलिए कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना था, क्योंकि वही बड़े वाला घर में, इसलिए अतुल वो पत्नी को इस तरह बोल रहा है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है, माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है, कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है, फिर बाहर का द्वार खुलता है, मिस रानी प्रवेश करती है। प्रौढ़ है, प्रौढ़ मतलब एज्ड मिस रानी है, और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी ही अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। देखिए, नाती सी नाती हुई वो क्या करती है, उसको देखते हुए, किसको, ये अतुल को देखते हुए अंदर चली जाती है। किसने अंदर चली जाती है? मिस रानी ने। अतुल उसे देख कर भी नहीं देखता, उसको मतलब मिस रानी को देख कर भी नहीं देखता है। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है, शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है, तीव्र मतलब शार्प हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है, संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। थके विश्व को मतलब टायर्ड विश्व को सहलाने के लिए, थके विश्व को सहलाने के लिए मतलब वह फुल टायर्ड हो गए हैं, उसको सहलाने के लिए मिश्रा ने आ गई है। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। माँ क्या करती है? कमरा मतलब रूम से बाहर और साइड आती है। किसने? माँ ने। किसकी माँ? अतुल की माँ ने। वे अब और भी उद्विग्न, उद्विग्न मतलब दुख, और भी उद्विग्न, बहुत दुखी थी। उनके पैर डगमगाते हैं, वाणी रूंध जाती है। मिश्रानी को देख कर वह दुखित हो जाती है। माँ, अतुल तूने और भी सुना? अतुल, क्या माँ? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उनकी बहू बीमार पड़ गई। माँ पूछ रही है अतुल से, छोटे बेटा अतुल, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उनकी बहू बीमार पड़ गई है। अविनाश की पत्नी क्या हो गई है? बीमार पड़ गई है। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है? माँ ने अतुल से पूछ रही है,
उनकी बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल, हाँ सुना तो है। उमा का प्रवेश। उतने में यह अतुल की पत्नी उमा प्रवेश होती है। प्रवेश होकर क्या करती है देखिए बच्चे। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन है। देखिए मरणासन मतलब क्या है बच्चे, जिसकी मृत्यु निकट हो, बहुत बीमार है। उमा चकित, क्या आश्चर्य से, क्या माँ तो मुझे यह भी पता है। माँ उसको उससे आश्चर्य, यह भी पता है। अतुल, नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चे, पेज नंबर 15 में। अतुल, हाँ माता जी मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण कपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया है। देखिए बच्चे, पत्नी ने पति की प्राण बचाने के लिए उसके प्राण को कपाती है, यह निजी सत्य है। वह अतुल ने माँ से कहता है कि यह अपने प्राण कपा का मतलब अविनाश की पत्नी ने अपने प्राण कपा कर अविनाश को बचाई है, पर अब क्या हो गई है, भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है, उसके प्राण को त्याग कर क्या कर रही है, पति के प्राण को बचाई है, पर पति के पास अब उसको पत्नी को बचाने के लिए उसके पास क्या नहीं है, प्राण नहीं है। अतुल ने माँ से कह रहा है, माँ अनसुना करके अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। आश्चर्य से पूछे है, तो अब मर जाएगी? अतुल, सुना तो ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही सुना है। उमा आश्चर्य से माँ को देखती है, फिर पति को, एक बार माँ को देखती है आश्चर्य से, और एक बार अतुल को, अतुल मतलब उमा की पति की ओर देख रही है। उमा, आप क्या कह रहे हैं, आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए, नहीं बस जो उस जगह पर जाइए, चलिए। अतुल उसी तरह शांत, उसका स्वभाव ही शांत स्वभाव है, कोई लाभ नहीं होगा। अतुल उमा से कह रहा है, कोई लाभ नहीं है, समय बीत गया है। उमा, भैया में एक दोष है। अतुल उमा से कह रहा है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। देखिए उसका एक अभ्यास, किसी के उसके पास पैसे नहीं तो भी दूसरों के पास वो हाथ नहीं पसारता है। किसका हैबिट? वो मेरे भैया के, भैया मतलब अविनाश के, ये हैबिट आदत है। वे फौसाद, देखिए वे फौलाद के समान, फौलाद मतलब असली लोहा, रियल आयरन, फौलाद मतलब रियल आयरन की तरह है, समान है, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। देखिए असली लोहा क्या हो जाएगा, टूट जाता है एकदम, पर नहीं झुकता है, बेंड नहीं होता है, एकदम कट हो जाएगा पर नहीं झुकता है, उस तरह मेरा भैया। किसने कहा? अतुल ने वो पत्नी से कहता है, नहीं झुकता उस तरह है मेरा भैया, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगता है, हाथ नहीं पसरेगा मतलब भीख नहीं मांगता है, उस तरह है मेरा भाई। भाई ने भैया के बारे में किस तरह लोहे से तुलना किया गया है, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, उसके भाई के बारे में क्या क्या बातें चल रहा है देखेंगे बच्चे।